सो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा शिवा ऑफिशियल पे। तो आज है करवा चौथ और ये है मेरा गेटअप करवा चौथ का, साड़ी एंड ऑल। तो पूजा मैंने कर लिया है, करवा माता का पूजा हो चुका है। देखिए मैं बहुत सारा आइटम बनाई थी घर पे चढ़ाने के लिए और बहुत सारा बना के अभी रखी हुई हूँ खाना। तो शिवानी से बोली हूँ कि मुझे रेस्टोरेंट लेके चलिएगा शाम को, तो बोले हैं कि ठीक है लेके चलूँगा। लेकिन फिर मैं सोची हूँ कि क्या रेस्टोरेंट जाना है, घर ही पे बना लेते हैं, तो बना लिए हैं। और सब कुछ इतना ज़्यादा मैं आज थक गई हूँ कि मेरे को बोलने का ही मन नहीं कर रहा है। थक नहीं गई हो, प्यास लगा होगा। प्यास लगा है, सही बात है। खाना भी नहीं खाया ना, कल हम लोग दोपहर में खाए थे खाना जब पटना से चले थे। उसके बाद खाने को आपको आपने देखा ही था, इसके पिछले वाले ब्लॉग में देखिएगा। कल दोपहर में खाना खाए थे, उसके बाद कल रात को भी नहीं खाए, फिर सुबह भी नहीं, फिर अभी रात हो गया, मतलब 24 घंटा से भी ज़्यादा हो गया। तो भूख तो पता नहीं, भूख नहीं लगी है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लगा है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए करवा माता। और ये लड्डू फ्रूट्स, और ये, और आप सभी को भी, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी करवा चौथ की हैं, सबको हैप्पी करवा चौथ और खुश रहिए, एकदम सुख क्या बोलते हैं उसको, खुशहाल रहिए और सदा सुहागन रहिए मेरी तरह। मुझे भी बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी सदा सुहागन रहूँ और मेरे हस्बैंड की दीर्घायु हो। बोलने में इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि प्यास लगा है तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ, बहुत कुछ प्यास लगा है और 8 बज गया है, अभी तक चांद नहीं निकला है। रोज 6 बजे निकल जाते हैं, अभी तक 8 बज गया नहीं निकले हैं। तो सही बात है, करवा चौथ के दिन तो थोड़ा सा उनका डिमांड बढ़ जाता है निकल। वैसे तो लोग नोटिस ही कहाँ करते हैं कि कब निकलेंगे, लेकिन करवा चौथ के दिन इतने सारे लोग नोटिस करते हैं, इसीलिए वो भी डिमांड में हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज मैं दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं अभी मिठाई, कौन कौन सा मिठाई लाई हो मेरे लिए? सब आप ही के लिए है। चूड़ी तो मेरे नाम का है ना? और आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन आया है। ये पुट्टू आया है। अरे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है वो? चलो करो जी कैमरा, ये भी आए मिले। और ये लोग आए हुए हैं, आप लोग दावत कौन सा दावत खाने आई हो? करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का दावत खाने आई हो। अगर दावत नहीं मिला तो अभी वेट हो रहा है ना, दावत जाना है। दावत का वेट कर रही हो? बाटी चोखा क्या खा के आई हो दावत खाने? नहीं 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 खाई हो? खाइए कि नहीं खाइए? नहीं खाया है, हा? नहीं खाया। कैमरा के आँख में आँख डाल के बोलो नहीं खाइए। नहीं खाया सही में। खाइए कि नहीं खाइए? नहीं खाया। क्या प्रूफ क्या है? लेकिन अपने पैसे से नहीं खाई है तो इसलिए नहीं मान रही है। प्रूफ अपने पैसे खाती हो तभी मानती हो, प्रूफ अपने पैसे खाती हो तभी मानती हो खाई हो। मैं खाई ही नहीं हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए उतना सारा खाना। और नेहा, नेहा देखिए शांति से बैठ के चांद का वेट कर रही है। और एक चीज सब लोग को दिखाता हूँ, पानी कहाँ रखी हुई है पीने के लिए? अरे यार, देखो फ्रिज खोल के इसके अंदर ऐसे देखो पानी रखा हुआ है, इसका पानी पीने के लिए। वाओ नाइस पानी। भैया बोल के ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा पूजा स्टार्ट हो गया है और नेहा छत पे आके प्रॉपर अच्छे तरीके से पूजा स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि एक बार मैं छत पे देखने के लिए आया हुआ था तो सूर्य भगवान थे, फिर जब मैं सबको लेके छत पे आया, देखिए ये हम लोग का शूट हो रहा है। शूट क्या हो रहा है, मतलब ऐसे ही वीडियो बना रहे कैमरे से,
आप लोगों के लिए। और फिर चंदा जी गायब हो गए थे अचानक, फिर दोबारा आ गए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अरे वो फोटो खींचा तो रेडी बैटरी लो। अरे नीचे नहीं ले जा रही, आओ यहाँ पे। गायब। चलो यहाँ पे फिर 5 मिनट बाद निकलेंगे। ये कौन सा प्रैंक हो रहा है हमारे साथ गाइस? चंद्रमा गायब हो गए, बार बार गायब। चंद्रमा गायब हो जा रहे हैं गाइस। ये मेरे से बोले कि आया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ है, मुझे लगा झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए आप, लग रहा है चंद्रमा जी आए थे, ऐसे ही मैं भी बोल रहा था, लोग बोल रहे थे अचानक से गायब हो गए। तब तो चंद्रमा 7 ही बजे का निकले होंगे, क्या पता। कितनी बार हम लोग जब हम लोग देखने आए हूँ, गायब हो गए। चंद्रमा जी आज देखिए प्रैंक कर रहे हैं। चंद्रमा जी सुधर जाइए। देखो बिना चांद तो देखे पानी नहीं पीना चाहिए चलनी में। पूजा कर रही थी ना, बोली दो पहले पूजा कर लो। इसमें का भी घी खत्म हो रहा है अब। आ जाइए बस 5 मिनट और। 5 मिनट लगे। अब कहाँ गए पता है? पता है कहाँ गए? तो दोस्तों भूख और प्यास नया पाठक के चेहरे पे देख सकते हैं आप। बड़ा मस्त आने लगा भैया, तो अंधेरा अंधेरा हो गया तो बड़ा बढ़िया लग रहा था। इस बार जो मेरी पब्लिक है ना, एक ऐसे ले लो ऋतिक ने फोटो के लिए पीछे से फोटो। चांदी से आना,